नया रायपुर के तूता धरना स्थल में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन का धरना लगातार जारी है। हजारों की संख्या में यहाँ पर डॉक्टर, स्वास्थ्य संयोजक और स्टाफ नर्स यहाँ पर जमा हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं, हजारों की संख्या में अंदर भीड़ है। और आपको बता दें कि इनकी अलग अलग मांगे हैं, वेतन विसंगति है, इसके अलावा जो स्टाफ के साथ आए थे, जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, मारपीट होती है, कोविड में सरकार ने कुछ वादे किए थे, तमाम चीज़ें जिसको लेकर धरना चल रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ संदीप शुक्ला और IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग में आपको विस्तृत खबर हम दिखाएंगे। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, किस बात को लेकर आप लोगों की यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, प्रदर्शन है हमारे छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन का। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन 12 घटक संगठनों को मिला के बना है। इसमें डॉक्टर्स के संगठन है, नर्सेज के संगठन है और स्वास्थ्य संयोजक RHOs के संगठन है। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स रेगुलर हैं यानी नियमित, और अनुबंधित यानी बॉन्डेड, दोनों की अपनी अपनी मांग है। अगर अनुबंधित डॉक्टर्स की बात की जाए, बॉन्ड डॉक्टर्स की बात की जाए, MBBS करने के बाद और MDMS करने के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, दोनों के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए छात्रों को, पढ़े हुए डॉक्टर्स को सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होती है। अनुबंधित रहते हैं वो, यानी वो और कहीं पे काम नहीं कर सकते, बॉन्डेड रहते हैं। बॉन्डेड, इनको आप बॉन्डेड भी कह सकते हैं, अनुबंध भी कह सकते हैं, बंधुआ भी कह सकते हैं, ठीक है, बंधे हुए हैं पूरी तरीके से। ये भी मांग है हटाना है? हटाने की नहीं, देखिए एक व्यवस्था है, हम बॉन्ड अवधि भी कम करना चाहते हैं 2 साल से 1 साल, हालांकि उसके लिए सरकार सुन नहीं रही है। कम से कम बेसिक मांग है कि हम काम तो कर रहे हैं, हमसे काम तो निकलवाया जा रहा है, तो जो वेतन विसंगति है वो तो दूर की जाए। क्या विसंगति बताइए? विसंगति ऐसी है कि हमारे ऊपर संविधा के नियम लागू होते हैं। संविधा के नियम जो सरकार के खुद के बनाए हुए हैं 2012 के, उनमें लिखा है कि एक मुश्त मानदेय मिलेगा जिसे समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इसे निर्धारित किया गया था अप्रैल 2013 में, फिर अप्रैल 2017 में, आज आप तारीख आपके सामने है अगस्त 24, 2022, 2023, 6.5 साल हो गए हैं, उसके बाद इसका निर्धारण नहीं किया गया है। हम पिछले ढाई, सरल शब्दों में कहें तो सैलरी नहीं बढ़ा है आप लोगों का, वेतन नहीं बढ़ा है, 1 रुपया नहीं बढ़ा है 6.5 साल से, जो कि उनका कहा हुआ है कि समय समय पर निर्धारित किया जाएगा वित्त विभाग द्वारा। हमने इसके लिए कई बार पत्राचार किया है, कई बार हमने अनुरोध किया है, कई बार निवेदन किया है कि इसके ऊपर ध्यान कीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने में अव्यवहारिक लगता है अगर 6.5 साल से वेतन नहीं मिल रहा है तो। अच्छा, कितनी बढ़ जाती, कितनी प्रतिशत तक बढ़ जाती है? देखिए, महंगाई जो है लगभग अगर सरकार का ही माने तो 34-43% बढ़ी है महंगाई, पर हमारा 1% भी नहीं बढ़ा है। ये अव्यवहारिक लगता है कि हमको ये चीज़ें मांगनी पड़ रही है, जबकि सरकार को खुद चाहिए कि जिसका वेतन 6 सालों से नहीं बढ़ा है उनको बढ़ाना चाहिए। मंत्रियों का वेतन कैसे बढ़ जाता है, वो खुद बढ़ा लेते हैं, हर साल में उनका वेतन बढ़ जाता है, पर हमारा 6 साल हो गया है, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बार बार, कई बार हम लोग स्ट्राइक भी किए हैं, पिछले बार भी हम स्ट्राइक में थे, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि आपका वेतन बढ़ेगा, पर क्या हुआ कि हम लोग का वेतन बढ़ा ही नहीं, हम लोग उस उम्मीद में थे, एक दिन का अवकाश भी लिया उस टाइम में भी हम लोग बोले कि अब, पर क्या है कि हमको ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में धकेला गया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहे, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं होगी, जब हम जाएंगे तो हमारे पेशेंट बिगड़े हुए आएंगे, परेशान रहेंगे, हमको परेशानी होगी, वो जब अस्पताल से लौटते होंगे तो हमको अभी भी दुख होता है, पर क्या करें, हम लोग अपना भी जीवन चलाना है, अपना भी रोजी रोटी चलाना है, अगर 6 साल से वेतन नहीं बढ़ेगा तो कोई कैसे करेगा। ये बात तो पक्की है। देखिए, डॉक्टर्स परेशान हो रहे हैं, साथ में जनता भी परेशान हो रही है। आप किस विभाग से? मैं भी यहीं से हूँ, मेडिकल ऑफिसर ही हूँ, अनुबंधित। मैं जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीजापुर में हूँ, अब वहाँ पे ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि जिसमें ऐसा बोला गया है कि अनुबंधित जो चिकित्सक हैं उनको, उनकी जो पूरी सेवा है उसको रद्द की जाएगी, और जैसे कि अभी एस्मा लग ही रहा है, एस्मा लगने के बाद पूरा रद्द की जाएगी, रद्द करने के बाद फिर से जो हमारा 2 साल का जो क्या बोलते हैं वो है अनुबंध है, उसको फिर से करवाएंगे, और फिर से हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पे अपनी जिस जिले में चाहेंगे हम उस जिले में देंगे। दबाव डाला जा रहा है ताकि कैसे भी करके इस हड़ताल को रोका जा सके। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मांग? स्वास्थ्य संयोजक संघ से है सर। क्या परेशानी? परेशानी ये है, पहला जो मांग है वेतन विसंगति है, दूसरा मांग जो है कोई भी आके हॉस्पिटल में घुस के किसी के भी साथ कुछ भी बदतमीजी कर दे रहा है, कोई दारू पी रहा है। अभी वैक्सीनेशन हुआ है, कोरोना वैक्सीनेशन, उसमें आप लोग खुद ही जानते होंगे कि कई लोग आते थे, मेरा पहले, हम लोग किसका पहले करें बताइए। और वेतन विसंगति भी बहुत अधिक है, किसी कर्मचारी कैडर को 2800 दिया जा रहा है जो 6 महीने का ट्रेनिंग किया है, और कोई जो 1.5 साल का ट्रेनिंग किया है उसको 2200 दे रहा है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये 6 महीने ट्रेनिंग किया,
उसकी ज्यादा है, जो नया है उसकी कम है। हाँ सर, जो पुराना है उसकी कम। हाँ सर, सबसे पहले मैं IBC 24 का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सर, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के सदस्य, प्रदेश प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में सेक्रेटरी नर्स के भी पद में हूँ। और ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो ये चिकित्सालय है, वो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय एकमात्र मनोरोग का चिकित्सालय है। फिर भी सर, हम लोग जो सेक्रेटरी नर्स है, वो हम लोग इस जो पद पर है उसमें PG किए हुए भी हैं, MSc सेक्रेटरी नर्स में किए हुए भी हैं। उसके उपरांत भी हम लोग को सर, सामान्य जो नर्स है, स्टाफ नर्स है, उनके उपरांत उससे भी कम हम लोग को, उनका 2800 ग्रेड पे है सर, और हमारे को 2400 ग्रेड पे जा रहा है। क्यों ऐसा? और ये सर, शुरू से ही मेरे को लगभग 10 साल हो गए सर काम करते। 2013 से जब से अस्पताल चालू हुआ, तब से मैं हूँ फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स के भी पोस्ट में हूँ। मैं फर्स्ट मेल नर्स भी हूँ। पहले मेल नर्स को भी छत्तीसगढ़ में नहीं लिया जाता था, मैं पहला मेल नर्स हूँ। उसके बाद मेरे बाद ही बाकी लोग की भर्ती हुई। तो हम लोग की जब भर्ती हुई तो सर बोला गया कि ये वृत्ति गड़बड़ी है, और जो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए सुधर जाएगी। लेकिन पिछले 10 साल लग गए वृत्ति गलती सुधारने के लिए। और उपेक्षित हैं आप लोग तो, मतलब सीधी सीधी बात है, समान काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन समान वेतन नहीं है। आप लोग कहाँ से? मैं कोंडागांव जिला से हूँ, जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से हूँ। हमारी मुख्य मांग के वेतन विसंगति है सर। उसके बाद कोरोना काल में हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि आपको कोरोना के समय का जो अतिरिक्त एक माह का वेतन दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है कोरोना इंसेंटिव मिलेगा, ये क्या सरकार ने वादा किया था? जी वादा किया था। उसके साथ सर, हमारे एक साल में 134 दिन हम लोग शनिवार, रविवार और अलग अलग जो दीपावली छुट्टी होते हैं, सब छुट्टियों में हम काम करते हैं, अतिरिक्त कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि अतिरिक्त कार्य के बदले हमें अतिरिक्त वेतन दिया जाए या मानदेय दिया जाए। और उसके बाद सर, हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स या फिर हमारे कर्मचारी हैं, उनके साथ कई जगह हिंसात्मक गतिविधि होती है, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि मेडिकल एक्ट को सुदृढ़ करते हुए, तत्काल FIR करते हुए किसी भी जो भी आरोपी होंगे उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये जो बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं सरकार पे, तो क्या ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, इन्होंने खुद वादा किया था बहुत सारी चीज़ों को लेकर? ये आप लोगों की मांग है आप लोग की तरफ से, या पॉलिटिकल पार्टीज ने आप लोगों के साथ मांग? नहीं सर, जब सरकार घोषणा पत्र बना रही थी तो घोषणा पत्र की 10वें बिंदु में स्पष्ट उल्लेखित था कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की वेतन विसंगति दूर किया जाए। और सरकार ने भी पिछले हड़ताल में ये माना है कि वास्तविक में आप लोग वेतन विसंगति है, इसको तत्काल दूर करेंगे। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई सुझाव नहीं दिया गया, ना ही कोई संवाद किया गया, और लगातार हम 20 वर्षों से वेतन विसंगति झेल रहे हैं। सामान्य प्रशिक्षण अवधि वाले 2800 ग्रेड पे ले रहे हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग प्रशिक्षण अवधि वाले अभी 2200 ग्रेड पे हैं, और ये विसंगति सर लगातार एक खाई की तरह बढ़ता ही जा रहा है सर। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से इनका वेतन नहीं बढ़ रहा है। तो बाहर की तस्वीर आप पहले देख लीजिए, फिर अंदर आपको दिखाएंगे। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर जमा है मंच से, जो इनके नेता है, लगातार संबोधित कर रहे हैं। IBC 24 लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है, और खबर विभाग जो हमारा चैनल है उससे हम विस्तृत खबर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस पर टाइम लिमिट नहीं होती। तो देखेंगे, हर तरफ आपको लोग ही लोग दिखेंगे, सब जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी मांगे लेकर आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं, क्या मांगे? लगभग 5 साल होते आ गया है, अभी तक वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है सर। अच्छा, आप लोग ये चुनाव आया है तभी प्रदर्शन चल रहा है कि लंबा सा? आप लोग शुरू से चल रहा है उसका कार्यक्रम, बाकी ध्यान ही नहीं रहे हमारे प्रति, स्वास्थ्य विभाग के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। देखिए, एक बात तो पक्की है, हम भी लगातार इस कवरेज को हम लगातार कवरेज करते रहे, लगातार हमने प्रसारण किया है। सरकार को कहना चाहेंगे कि हमारे मांगों पर बहुत जल्दी ध्यान दें, नहीं तो ये आंदोलन समय के साथ उग्र होता जाएगा और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अच्छा, अभी तक तो आप लोग एक दिवसीय करते थे, आज कह रहे हैं कि घर नहीं जाना है? नहीं जाएंगे, जब तक कोई उचित जवाब नहीं मिलेगा हम तब तक डटे रहेंगे। तो देखिए, धरना स्थल के पास पहुंच गए, अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे चौंकाने वाली तस्वीर है। एक ही टेंट के नीचे हजारों लोग जुड़े हैं, क्योंकि जगह सीमित है। आप देखेंगे, ये देखिए संख्या, आप देखिए संख्या का आप अनुमान लगाइए, देखिए किस बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हैं। और आपको बता दें कि एक ही मंच के नीचे जो डॉक्टर्स है, स्टाफ नर्स है, स्वास्थ्य संयोजक है, सभी यहाँ पर जो है जमा है। महिला स्टाफ भी है यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। अभी कितनी उपेक्षा आप लोग झेल रहे हैं, क्या क्या मांगे? हम लोग का 5 सूत्रीय मांग है, बताइए भैया। हाँ सर, हम लोग 2015 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में, कई बार शासन प्रशासन को आपने जानकारी दी है, अपनी आवाज़ को
बुलंद किए हैं, पर 2015 से जो पहले भी सरकार थी वो भी हमारी बातों को ध्यान देती है और जो शासन बदल गए उन्होंने भी ध्यान दिया है। हमारी पांच सूत्री मांगे हैं। पहला है हमारा वेतन विसंगति का है सर, जो 2015 से लड़ते आए हैं। दूसरी मांग क्या बोलते हैं, कोविड भत्ता। हम लोग जो कोविड भत्ता शासन के जो कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, गवर्नमेंट सबसे पहले जो कोविड के वैक्सीनेशन हुआ तो पहले हम स्वास्थ्य विभाग का ट्रायल किया गया है। उस ट्रायल के रूप में हम अब अपनी जान का परवाह देकर और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हुए कई प्रकार का हम आज तक भी उसका कोविड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि आप स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं उसको कोरोना भत्ता दिया जाएगा। तीसरा है सर, जो हमारे कर्मचारी हैं उसका फुल स्टाफ नहीं है, कम कर्मचारी रह के ज़्यादा कर्मचारियों का मतलब अपन सेवा दे, सेटअप है उसमें भर्ती होना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आपको सामने से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए संख्या आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगातार जो है मंच से उद्बोधन चल रहा है और बड़ी तैयारी है यहाँ पर। कुछ देर में जो है मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी चल रही है, बैनर पोस्टर लेके लोग लगातार तैयार हैं। तो लोगों से बात करेंगे। आपके अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं आज नाइट ड्यूटी है। जी जारी रहेगी। जब आज रोड में हम लोग का प्रदर्शन रहेगा, जब तक के शासन हमसे बात नहीं करेगी तब तक के जारी रहेगी और कंटिन्यू बैठे रहेंगे। आप लोग कहाँ से, किस विभाग से हैं? स्वास्थ्य विभाग से हैं सर, आरएचओ के डर से बिलोंग करता हूँ मैं। हमारी जो है मांगे, मुख्य मांग है वेतन विसंगति। विगत 20 साल से हमारी वेतन विसंगति बनी हुई है, हम इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बैठे हैं। आज चौथी दिन है और हम अनवरत, जब तक कि हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होती तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। देखिए लगातार जो है वो उद्बोधन चल रहा है, जो अध्यक्ष है फेडरेशन के वो लोगों को लगातार एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कहाँ? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हाँ जी, क्या तैयारी है अभी प्रदर्शन को लेकर? बस हम कूच करने के लिए तैयार हैं, अनिश्चित आंदोलन है तो इसलिए कूच करने के लिए तैयार हैं। डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, डटे रहेंगे। अध्यक्ष भी बोलते हैं कि नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब जब तक कोई मिलने नहीं आएगा जारी रहेगा प्रदर्शन। हाँ जी, हाँ जी, पूरी जारी रहेगी। और भी महिला स्टाफ है यहाँ पर, उससे बात करें। आज क्या क्या ठान करा है, क्या ठान सुनाए क्या भैया, क्या ठान करा है आप लोग? जब तक के हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, डटे ही रहेंगे, रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे हम लोग। देखिए जो प्रदर्शनकारी है सबसे ज्यादा संख्या इसमें, देखिए सबसे ज्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की है, हाथ में प्ले कार्ड लेकर बोर्ड लेकर बैठे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं होती ये प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। और आपको बता दें कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन जो है उसने भी इन्हें जो है समर्थन दे दिया है। तो लगातार जो है भीड़ और धरना स्थल पे बढ़ते जारी है और इनका साफ कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हम डोम से बाहर निकले हैं, देखेंगे आप जो डॉक्टर्स हैं खाना पीना राशन पानी सब कुछ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। यही बढ़कर खाना पीना चल रहा है, खाना खाएंगे उसके बाद घेराव के लिए निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, मतलब खाने के लिए घेराव करने के लिए ताकत तो चाहिए ना, तो हम अपनी फुल एनर्जी ले रहे हैं ताकि वहाँ पर अपना ताकत का प्रदर्शन कर सके। अच्छा, ये अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर कोई बात करना नहीं आएगा तो नाइट ड्यूटी रहेगी, मतलब रुकेंगे आज? बिल्कुल, हमारा एनर्जी एकदम तेज है और हम इसलिए खाना खा रहे हैं ताकि हमारा एनर्जी और रहे और इसी तरह से हमारा हड़ताल जारी रहेगा। देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, यहीं मवेशी घूम रहे हैं, गंदगी है, गोबर है, सब कुछ है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। एक ये बॉन्ड को लेकर बहुत ज़्यादा जो है विरोध होता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो हाँ, मांग में यूडीएफए की मांग में है हमारा बॉन्डेड डॉक्टर वाला। उसमें ये है कि हम लोग कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 2 साल गवर्नमेंट रूरल एरिया में जॉब करना पड़ता है, उस वहाँ का हालत बहुत ख़राब है। कभी भी कोई भी आ रहा है गाली गलौज करके जाता है, उसमें मारपीट करके जा रहा है डॉक्टर को, उसके लिए हमें सुरक्षा चाहिए। और बॉन्डेड डॉक्टर का जो सैलरी है वो 2017 में लास्ट टाइम बढ़ा था, उसके बाद से अभी तक नहीं बढ़ा है।
और हमको एक मुफ्त वेतन देता है, तो जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, यही हमारी मांग। मतलब बॉन्ड से दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी प्लस इंसेंटिव का मतलब मामला है। 6 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, वेतन नहीं बढ़ा। जी 6 साल से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, एवं जो हम काम करते हैं वो इक्विवेलेंट टू अदर डॉक्टर्स भी है। हम भी उतना ही MLC PM हर ड्यूटी करते हैं, तो जब हम वही काम करते हैं वही हमारी डिमांड है कि वेतन विसंगति दूर की जाए। जो हम करते हैं तो एक बराबर, जो काम अगर सेम है तो एटलीस्ट वेतन भी सेम वही। और दूसरी बात यह है कि 6 साल से उसको बढ़ाया भी नहीं गया है, तो इसी वही हमारी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है चुनाव के पहले भी उन्होंने वादा किया होगा दोनों पार्टियों ने, और चुनाव के बाद आप लोगों की बात हुई एक बार? जी चुनाव के बाद भी कई बार हम अपने बातों को सही तरीका से पहुंचाने का कोशिश की है, लेकिन हर बार हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। पिछले 11 तारीख को भी हमने एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी हमें आश्वासन ही दिया गया था। हमको बहुत उम्मीद था कि इस बार 15 अगस्त को हमारी बातें सुन लिया जाएगा, लेकिन अब चुनाव फिर से आने वाला है, अब टाइम भी कम है, इतने सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला है। हमें अभी तक जो हमारी मांग था उन पर ध्यान दिया ही नहीं गया, इस कारण हमको पूरी में आके ये चीज करना पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि हम हड़ताल कर रहे हैं, हमने जनवरी में भी हड़ताल की थी इसी बारे में, तब भी हमारा वेतन भी काट दिया गया था, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमें आश्वासन दे के भेज दिया गया। देखिए सर, हम लोग तो मांग पूरी करने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम डट कर सामना करेंगे सर, डट कर हम लोग जो है लगे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। मैं भूपेंद्र सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन। अच्छा, ये एक आरोप लगता है कि डॉक्टर्स बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं, पब्लिक परेशान होती है, इसका जिम्मेदार असली कौन है? देखिए ऐसा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जब हमने सरकार को पहले से बता दिया था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है, उन्हें हमसे आके बात करनी चाहिए, कम से कम सामने आना चाहिए, हमसे बातचीत हो, संवाद हो, तब हम आगे उस पर कुछ निर्णय ले सकेंगे, या वो उस निर्णय पे आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन सरकार इसमें चुप्पी रख रही है, तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य फेडरेशन की हड़ताल लगातार जारी है, सीधे कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, चर्चा पूरी नहीं होगी, यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। कुछ मांगे हैं जो सुनकर तो बहुत चौंकाने वाली है कि 6 साल से इनका जो है वेतन बढ़ा नहीं है, तमाम मांगे हैं, देखते हैं सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, CM हाउस घेरने की तैयारी है, IBC 24 लगातार इस पर कवरेज में दिखाता रहेगा और अब अंतिम छोर तक आपको दिखाएंगे कि इनकी मांग पूरी हो रही है, सरकार का क्या रवैया है इस मामले में। कैमरामैन किशोर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।